हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुकेशन वाइगर में, जहाँ मैं फरहान आपका अपना साइंस फैकल्टी एक बार फिर स्वागत करता हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के साइंस के जूलॉजी मैराथन क्लास में। ये मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के इस मैराथन में हम बीपीएससी 3.0 में पीजीटी साइंस जूलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग बिहार स्टेट पीजीटी साइंस की और सक्षमता पीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आइए आज का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, HCl सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कॉल्ड। जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जाइमोजेन सेल, सेकंड ऑप्शन है गॉबलेट सेल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सेंट्रिक सेल, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो ये न्यूमरस बहुत सारे छोटे माइक्रोस्कोपिक सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं कि जो स्टोमिक के एपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से बनते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये 1.8 पीएच पे वर्क करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट्स करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले सेल की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? ये म्यूकस सीक्रेट्स करता है जो कि हमको म्यूकस सीक्रेट करता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमिक को बाय एक्शन ऑफ HCl से। ठीक है, स्टोमिक गैस्ट्रिक जूस में सेल भी होता है तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उससे स्टोमिक के इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है जो कि गॉबलेट सेल से रिलीज होता है। वहीं सेकंड टाइप की सेल की बात करें तो वो होता है ऑक्सेंट्रिक सेल, जिसे हम लोग पैराइटल सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सेंट्रिक सेल जो ये दो चीज़ रिलीज करता है, एक रिलीज करता है CIF जिसे हम लोग कैस्टिल इंट्रेंसिक फैक्टर कहते हैं, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो चीज़ ये रिलीज करता है। CIF की अगर बात करें हम तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में मदद करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। HCl की बात करें तो ये बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है, जैसे पेप्सिनोजेन की बात करें तो इसे ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोरेनिन की बात करें तो ये रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस बैक्टीरिया को भी किल करता है जो बोलस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइलिन को इनएक्टिव कर देता है। तो ये सब किसका काम है? HCl का काम है। ठीक है, और बात करें थर्ड टाइप ऑफ सेल की तो वो होता है जाइमोजेन सेल। ठीक है, ये भी क्या करता है? ये जो है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, जैसे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। ठीक है, ये सब क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, HCl सिक्रेटिंग सेल्स। तो HCl सिक्रेटिंग सेल्स कौन है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सेंट्रिक सेल यानी पैराइटल सेल। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ। ठीक है, सिक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है पैनक्रियास, थर्ड ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिक्रेटिन की बात करें तो ये क्या होता है? ये एक टाइप का हार्मोन होता है। क्या होता है? एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से
रिलीज़ होता है। वो भी कहाँ से रिलीज़ होता है? ड्यूडेनम से रिलीज़ होता है। ये क्या करता है? ये करता है, स्टिमुलेट्स करता है पैनक्रियास को टू रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये किसको स्टिमुलेट्स करता है? तो ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट्स करता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज, पचे हुए भोजन के परचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोनर्स ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है क्रिप्स ऑफ लीवर गुन, थर्ड ऑप्शन है वेलस, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट की बात की जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए, तो वहाँ वो होता है विलस। क्या होता है? विलस। क्या होता है? विलस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में के वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या होता है? ये बहुत सारे फोल्ड होते हैं, मेनी फोल्ड होते हैं। ठीक है, जो फिंगर लाइक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। उसे हम लोग विलाई करते हैं। ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगा। क्या होगा? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, तो विलाई क्या करता है? दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड फूड। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विलस, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू, पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिलीरुबिन, सेकंड ऑप्शन है बिलीरुबिन, थर्ड ऑप्शन है बाइल सॉल्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाइल की बात करें तो इसमें टू पिगमेंट होते हैं। बाइल की बात करें तो इसमें टू पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, ठीक है, और सेकंड पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन जो है ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं अगर बिलीरुबिन की बात करें तो ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बात कर रहा है कि पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ पे बिलीरुबिन यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट पीएच 1.6, कौन सा किण्वक प्रोटीन को पीएच 1.6 पर पचाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है पेप्टिडेज एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं जिसे हम लोग ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर पीएच ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा हो गया एंजाइम का या कम हो गया तो इससे एंजाइम की वे एक्टिविटी क्या होती है? अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है उसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं। ठीक है, और पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो होता है 1.5 से लेके 1.6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वही ट्रिप्सिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिप्सिन जो है 7.8 से लेके 8.7 पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट का परचूषण किस अवस्था में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड्स, सेकंड ऑप्शन है डाइसेक्राइड्स, थर्ड ऑप्शन है मोनोसेक्राइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये ऐसा कम जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो हम लोग छोटे छोटे यूनिट यानी जो स्मॉल यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम लोग मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, इस फॉर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ग्लूकोज, ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हम इसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं डाइसेक्राइड्स की बात करें तो दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिलकर जो है डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब पूछा था कौन फॉर्म में होता है, तो मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टियल्स आर कनेक्टेड विथ, लसिक वाहिनियाँ किससे संबंध है, ठीक है। तो लैक्टियल्स क्या है, लैक्टियल्स के बारे में समझते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनफोल्डिंग होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। तो ये क्या है, पूरा ये विलाई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहा है, ये क्या है, लैक्टियल्स हो गया, जो कि लिम्फ वेसल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्ट होता है, लिम्फ वेसल से कनेक्टेड होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स करता है, वसा का अवशोषण करता है। लैक्टियल्स किससे कनेक्टेड होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिनन ऑक्योर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा। CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच में होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, RBC और प्लाज्मा के बीच में, तो वहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्लोराइड शिफ्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑक्योर्स थ्रू। श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है ऑस्मोसिस, थर्ड ऑप्शन है डिफ्यूजन, एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस पे जो ऑक्योर्स होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रेब्स साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर। क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल की बात करें तो इसे हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे ATP का प्रोडक्शन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिम्स डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग, लसीका रक्त से भिन्न होता है पाए जाने का। फर्स्ट ऑप्शन है ना ओनली WBC, सेकंड ऑप्शन है मोर RBC एंड WBC, एंड थर्ड ऑप्शन है मोर RBC एंड फ्यू WBC, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूड होता है, क्या होता है, कलरलेस फ्लूड होता है, ठीक है।
जो कि मोस्टली कहाँ मिलेगा ये, तो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ अ टिश्यू के बीच में मिलता है, ठीक है। इसमें लीफ में क्या क्या होता है, WBC होता है और वाटरी फ्लूड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम की बात करें तो लिम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन द प्रोसेसिंग की बात करें, ठीक है। तो लिम्फ जो है, लिम्फ में तो WBC प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ओनली WBC, केवल WBC यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज, रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, बी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, थर्ड ऑप्शन है RBC, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर ब्लड की बात की जाए, ठीक है, अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड में जो है मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी तीन चीज़ होता है, एक होता है RBC जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, दूसरा होता है WBC जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एक होता है थ्रम्बोसाइट्स जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ WBC की बात करें तो WBC का टाइप देखेंगे तो बेसोफिल्स होता है, एसोनोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC का एक टाइप है, ठीक है। लिम्फोसाइट भी टू टाइप का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यानी लिम्फोसाइट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, ये तो प्लेटलेट्स है, ब्लड का कंपोनेंट है। RBC रेड ब्लड सेल है, तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, लिम्फोसाइट्स करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ अ क्लॉट इज, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सेकंड ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट की बात करें तो ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट का टाइप हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें तो ये ब्लड का एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% आपको ब्लड में का ऑक्यूपाई करता है। प्लाज्मा की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जिसे हम लोग क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एक एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ऑस्मेटिक बैलेंस को करता है, एक होता है ग्लोबुलिन जो डिफेंस में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटन ऑफ अ क्लॉट की बात हो रहा है, तो यहाँ पे फाइब्रिनोजेन यानी फाइब्रिनोजेन बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खून के थक्के का रिश्तेदार कंकाल बनाता है वो क्या होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्राफिकेशन टेक प्लेस इन, ठीक है, प्राणिस्यंदन किसमें संपन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल, सेकंड ऑप्शन है ग्लोमेरुलस एंड थर्ड ऑप्शन है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन की बात की जाए तो ये ग्लोमेरुलस में होती है, कहाँ होती है, ग्लोमेरुलस में होती है जो कि बोमन कैप्सूल होता है, इस शेप का बोमन कैप्सूल होता है। यहाँ पर जो है आपको एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, जो पर नेटवर्क ऐसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं जो कि बोमन कैप्सूल में हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है तो कहाँ हो जाएगा, ये ग्लोमेरुलस में हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ होता है, बोमन कैप्सूल के पास। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर इज टेक्स प्लेस बाय, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो लीवर में होता है उसे हम लोग यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को हैंस क्रिप्स एंड कर्ट हेंसेलिट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये साइकिल आपको कहाँ मिलेगी? ये साइकिल आपको यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। किसमें मिलती है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसीलिए इसे लीवर में, लीवर इसको क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद किडनी के थ्रू ये स्किट बाहर आ जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इज कंट्रोल बाय। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ACTH, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन है वैसोप्रेसिन एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात की जाए तो ये होता है ADH नाम का एक हार्मोन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डायूरिक हार्मोन, जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन ADH एंड टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन एंड ADH, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन की रेगुलेशन की बात की जाए तो ये एल्डोस्टेरोन एंड ADH कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो वैसोप्रेसिन उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसोप्रेसिन, जिसे ADH एंटी डायूरिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है कलेक्टिव ट्यूब्यूल से। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ट्रिगर्स करता है, वैसोप्रेसिन ट्रिगर्स करेगा और एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या करता है, सोडियम आयन से कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देता है। इससे क्या होगा कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से और यूरिन रिलीज होने लगता है कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, यही अगर एब्सेंस ऑफ वैसोप्रेसिन की बात करें तो वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होगा, लेस होगा, तो यूरिन भी कम प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्डोस्टेरोन एंड ADH। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायूरेसिस इज कैरेक्टराइज बाय, क्या विशेषता है डायूरेसिस की? इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो डायूरेसिस की बात कहें तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन होता है, क्या होता है, हद से ज़्यादा आपको पेशाब होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। डायूरेसिस में क्या होता है कि एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किडनी फिल्टर मोर एक्सेसिव एक्सेस ऑफ लिक्विड को फिल्टर करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूड्स इन द किडनी से। ठीक है, तो डायूरेसिस कैरेक्टराइज बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, क्या हो जाता है, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम ये तो नहीं होगा, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस पैक इन टू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन ऑक्योर्स इन, नेफ्रॉन के किस भाग से आवश्यक तत्वों को रक्त में पूर्ण परचूषण ग्लोमेरुलर निसंयंदन से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, मोर ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो रीऑब्जर्वेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस की बात की जाए जो पैक इनटू ब्लड में आ जाता है कहाँ से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, तो वो होता है किसके थ्रू होता है, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू ये होता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स अ मसल, निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है, फर्स्ट ऑप्शन है मायोफाइब्रिल्स, न्यूरोलेमा, सार्कोलेमा, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सार्कोलेमा की बात करें तो मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर जो है वो एक्चुअली मायोफाइब्रिल्स के भूबंडल से फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटेड मसल इज, धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकारी इकाई क्या है, सार्कोमेयर, ए बैंड, मायोफाइब्रिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सार्कोमेयर जो है ये जो है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, तो यहाँ पे सार्कोमेयर यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द मसल इज आल, ठीक है, द मांसपेशियों के संकुचन प्रोटीन कौन से हैं। ठीक है, संकुचन प्रोटीन कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन एक्टिन एंड मायोसिन, सेकंड ऑप्शन ट्रोपोनिन, थर्ड ऑप्शन है ट्रोपोमायोसिन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल जो है वो होता है एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो है मेन कंपोनेंट है। ठीक है, अब थिक फिलामेंट एक रेगुलेटरी प्रोटीन भी होता है जो कि होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होता है, ये भी जिस थिन फिलामेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें ये सब होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, लेकिन आंसर की में जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का वो है एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो अगर आंसर की के हिसाब से चले तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन होना चाहिए था। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन एक्टिन एंड मायोसिन, सेकंड ऑप्शन एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, एंड थर्ड ऑप्शन एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल्स की बात की जाए तो ये जो है मायोफाइब्रिल जो है थिक एंड थिन फिलामेंट्स का नेमली बना होता है, मेनली जो है एक्टिन एंड मायोसिन का बना होता है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रोपिन एंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन भी होता है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है, तो मेनली मायोसिन भी होता है, ये मेनली होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्सटेंसेस दैट एक्यूमुलेट इन अ फैटिग मसल्स आर, थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा हो जाता है होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पायरुविक एसिड, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो थकी हुई मसल, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जब हमारा मसल थक जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
जिसकी वजह से हमारा मसल जो थक जाता है, पेन होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशी में तत्व जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड और मसल थक जाता है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग यील्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मांसपेशियों संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? मायोसिन से, मायोग्लोबिन से, क्रिएटिव फॉस्फेट से, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम होता क्या है कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी वो कहाँ से लेगा? जो मसल्स में जो एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से वो एनर्जी लेता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मसल में तो एटीपी जो है लिमिटी में प्रेजेंट होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तब जहाँ पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं तो एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे रिसिंथेसाइजिंग करना पड़ता है एटीपी का। तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ये प्रेजेंट होता है हर मसल सेल में, ये कैसा ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जो ब्रेक होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटाइन फॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन ड्यूरिंग न्यूरल ट्रांसमिशन। तांत्रिक संरचन के दौरान युग्मानुबंध पर कौन सा अवमुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेनलिन, सेकंड ऑप्शन है एसिटिकोलाइन, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एड्रेनलिन की बात की जाए ये तो एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की बात की तो ये भी एक हार्मोन है, तो जो सिनेप्टिक जंक्शन पे रिलीज होता है उसे हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और उसका एग्जांपल यहाँ पे है एसीटिकोलीन, एसिटाइल कोलीन, ये यहाँ पर जंक्शन पर रिलीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज, तंत्रिका चालन में उछलन गति को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एक्टिव फेज, साल्टेटरी कंडक्शन, न्यूरो ट्रांसमिशन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो न्यूरॉन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो वहाँ पे माइलिन शीट होता है। ठीक है, यहाँ आप इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, तो एक नोड्स ऑफ रैनवियर, सदर नोड्स ऑफ रैनवियर में जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है, जंपिंग होता है, उसे हम लोग कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाय केमिकल्स नेचर ऑफ हार्मोन्स में बी, हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं, ए स्टेरॉइड्स, बी ऑप्शन पेप्टाइड्स, सी ऑप्शन अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव्स, डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, या ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। अगर केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स देखा जाए तो ये स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स का एग्जांपल हो गया कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या स्टेरॉइड्स हैं। वहीं पेप्टाइड्स की बात करें, तो इंसुलिन, ये सब की क्या है, पेप्टाइड्स हो गया, इंसुलिन भी क्या है, हार्मोन है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, तो ये स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेल्स इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस सीक्रेट्स ग्लूकागोन। लैंगरहंस की दीपिकाओं की किस प्रकार कोशिकाओं से ग्लूकागोन स्रावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन अल्फा सेल, बी ऑप्शन है बीटा सेल, सी ऑप्शन है गामा सेल्स,
एंड डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ दी अबव, एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है इसमें दो सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है ग्लूकागन रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। ग्लूकागन की बात करें तो यहाँ पे ये कैसा होता है? डायपेप्टोजेनिक हार्मोन होता है, यानी ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सेल्स इन सिक्रेट्स ग्लूकागोन, तो यहाँ पे अल्फा सेल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोजेन इज प्रोड्यूस बाई, ठीक है, ए ऑप्शन पिट्यूटरी, बी ऑप्शन एड्रेनल्स, सी ऑप्शन ओवरीज, डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो एस्ट्रोजेन की बात करें तो ये ओवरी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? तो फिर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ओवरीज की बात करें तो ये जो है आपको स्टिमुलेट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स के लिए। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये रेगुलेट करता है, और अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया, डेवलपमेंट, हाई पिच एटसेट्रा, ये भी क्या है? एस्ट्रोजेन का ही फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज, वह ग्रंथि जो स्त्रावी एंड अंतःस्त्रावी दोनों है। ठीक है, तो वैसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है तो होता है पैनक्रियास। ठीक है, क्या होता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास ऐसा ग्लैंड है जो कि बोथ होता है, एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन की बात करें तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होता है, जो सेल होता है जो रिलीज करता है अल्फा सेल ग्लूकागोन, और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। तो यहाँ पे पैनक्रियास सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज, वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपचयन उपापचय के लिए जिम्मेदार है, क्या है? ऑप्शन थायमस, बी ऑप्शन थायराइड, सी ऑप्शन पैराथायराइड। तो जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये फोर इन नंबर में होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि कैसा क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है, इसीलिए इसे हम लोग हाइपर कैल्शियमिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को डाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी ऑप्शन पैराथायराइड करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन किससे स्रवित होता है। तो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन की बात की जाए तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होती है, रिलीज होती है, जो कि गोनाड्स पे एक्ट करती है। गोनाड्स यानी टेस्टिस एंड ओवेरिस, और दो हार्मोन रिलीज करती है LH और FSH, ग्लूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, पुरुषों में डिक्टी लैगिंग गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन FSH, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन ऑफ द अबव, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अगर एस्ट्रोजन की बात करें ये तो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, लेकिन ये किस में करता है? मेल में करता है। ठीक है,
वहीं FSH की बात करेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करें या एंड्रोजेन की बात करें तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ मेल में। क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे मस्कुलर ग्रोथ हो गया, फेसियल या एक्सिलरी हेयर हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, लो पिच वॉइस हो गया, ये सब क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो किसकी वजह से आता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर डिफ्रेंशिएशन इज डन बाय, रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कलर डिफ्रेंशिएशन की बात की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रड्स, सेकंड ऑप्शन है कोन्स, थर्ड ऑप्शन है बाइपोलर नर्व, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। रड्स की बात करें तो ये फोटोरिसेप्टर है, सेल है, ठीक है, जो कि रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें। कौन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि स्कोटोपिक विजन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैसा विजन जो हम लोग लो लाइट में देख सकते हैं, वो किसके थ्रू देख सकते हैं, रड्स के। वही कॉन्स की बात करें तो ये भी फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं जिसमें आइडोप्सिन, पॉलीप्रायोसिन एंड साइनप्सिन पिगमेंट मौजूद होता है, जो कि ब्राइट लाइट के लिए है ना, डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कॉन्स हो गया, तो यहाँ पर कलर डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे हम, बी ऑप्शन यानी कॉन्स, बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रंग भेद हम कॉन्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय, ठीक है, जो धर्म मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन ऑफ ओवेरी के द्वारा, FSH एंड LH पिट्यूटरी के द्वारा, FSH पिट्यूटरी या मोर देन वन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टोजन ये तो ओवेरी से रिलीज होता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। FSH एंड LH पिट्यूटरी से रिलीज होता है, FSH पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी एबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसे हम लोग मेनार्क की स्टेज कहते हैं, और जो जहाँ पे एंड हो जाता है उसे हम लोग मेनोपॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्योर्स इन, मनुष्य में निषेचन किस में संपन्न होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका फ्यूजन होता है, तो स्पर्म एंड ओवम का, कहाँ होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, अभी मैंने पीछे बताया, अभी मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग को कहते हैं मेनार्क, और जो रुक जाता है उसे हम लोग कहते हैं मीनोपॉज। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म्स डिफरेंशिएशन ऑक्योर अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, शुक्राणुजनन एवं शुक्राणुविभेदन किसके नियंत्रण में होता है, फर्स्ट ऑप्शन FSH, सेकंड ऑप्शन LH, थर्ड ऑप्शन है पारा हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। FSH की बात करें तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये जो है आपको सर्टोली सेल से सिक्रेट्स होता है, ठीक है। वहीं FSH की LH की बात करें तो ये लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस से सिक्रीट्स होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वह इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्पर्म सेल का बनना हमें स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म डिफ्रेंशिएशन कंट्रोल ऑफ द FSH LH दोनों के अंडर में होता है, इसीलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवल्यूशन ऑक्योर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडोत्सर्ग
किसके नियंत्रण में संपन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एलिज, सेकंड ऑप्शन है फिश, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले समझते ओवेरिएशन क्या है। ठीक है, तो ओवेरीज से एक का रिलीज होना, वैसा प्रोसेस ओवेरीज से एक का रिलीज होना, इसे ही हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंडर में होता है? तो ये एलिज, एलिज के अंडर में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर में ये चीज़ होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एलिज हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है। जब इसका रैपिड सिक्रेशन होने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं एलिज सर्ज कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल ऑफ द साइकिल में होता है, यानी 14वें दिन में होता है। इसी सर्ज की वजह से क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम का रिलीज हो जाता है, जिसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो आप ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सिक्रेशन फॉर, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्त्रवित होता है उससे क्या होता है? ए ऑप्शन अट्रैक्टिंग स्पर्म, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन स्टमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, ठीक है ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इनहिबिटिंग स्पर्म एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन स्टमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि प्रयुक्त किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, सेकंड ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, थर्ड ऑप्शन है 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है तभी इफेक्टिव होगा जब हम उसे 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर में यूज़ कर लें क्वाइटस के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। निम्न यौन संचरित संक्रमण रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिफिलिस, सेकंड ऑप्शन है एड्स, थर्ड ऑप्शन है गोनोरिया, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, एसटीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग वेंड्रल डिजीज भी कहते हैं और रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये फैलता कैसे है? तो ये जनरली ट्रांसमिटेड जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलता है, जैसे सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या है? एसटीडी डिजीज है। ठीक है, अगर सिफिलिस की बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिट होगा? तो बॉडी फ्लूड्स से होगा। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि जेनाइटल एरियाज जो है पेनलेस अनसोर्स हो जाता है, तो यहाँ पे तो ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, जेनाइटल एरिया को, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एड्स की बात करें तो इसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई सेक्स ऑर्गन तो इफेक्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो सकता है। वहीं गोनोरिया की बात की जाए तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि नेसेसेरिया गोनोरिया से होता है, इसमें भी जेनाइटल वायरस जो है एरिया जो है अफेक्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी एड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रीजंस। निम्न में से किस कारण से कॉन्डम गर्भ निरोधक के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है? फर्स्ट ऑप्शन है दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसिमिनेशन, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। वे वेरिए रोपण से प्रावरोध होता है। हाँ, बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट। कॉन्डम्स क्या है? फिजिकल बैरियर है जो कि
ओवम को स्पर्म से मिलने नहीं दे रहा है तो ये क्या है, इफेक्टिव बैरियर का काम करेगा इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें रोकेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद क्वार्टल एक्ट, ये सहवास क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये भी सही है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ स्टडी, ये भी सही है। ये तो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्डम्स का कि STDs के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी वाइब यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है, किलिंग द ओवम, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ब्लॉकिंग द फर्टिलाइजेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स की बात की जाए तो ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकेगा, तो प्रिवेंटिंग ओवुलेशन अनडोट सर्ग यानी ओवुलेशन को क्या कहता है, रोक देता है। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है ये तो आसान क्वेश्चन है। वैक्सीन टर्म जो है एडवर्ड जेंडर साहब ने दिया था, तो ए क्वेश्चन यहाँ पे का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हशीश गांजा एंड चरस आर ऑब्टेंड फ्रॉम, ठीक है हशीश गांजा एंड चरस किससे प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन कैनबिस सैटिवा, सेकंड ऑप्शन रॉफिफियस सप्रमेंटिना, थर्ड ऑप्शन है पेपरम सोमनिफेरम। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, हशीश गांजा एंड चरस की बात करें तो ये सब हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है। ठीक है, क्या हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है। ठीक है, और हशीश गांजा चरस की बात की है तो ये हमें कैनबिस सैटिवा से मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है रप्चरिंग ऑफ सेल्स, बी ऑप्शन है अनकंट्रोल्ड मियोसिस, थर्ड ऑप्शन है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कैंसर जो में क्या होता है, ये कोई सेल है, ठीक है क्या, ये नॉर्मल डिवाइड सेल करता है, माइटोसिस हो जाता है, एक समय में ये रुक भी जाता है। ठीक है, लेकिन कैंसर होता तो क्या हो जाता है कि ये सेल जो है हमेशा के लिए ग्रो करने लगेगा, एकदम तेज़ी में डिवाइड होने लगता है, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगता है। और कैसा डिवीज़न होता है, तो माइटोसिस होता है, यानी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैंसरस सेल यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर में क्या होता है, तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किसके द्वारा संचारित होता है। तो एड्स जो है कैसा वायरल डिजीज है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है, HIV वायरस के थ्रू होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू। ये कैसा डिजीज है, तो STD है। ठीक है, STD डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि STD डिजीज़ है ये। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रक्त आधान के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या पर आधान प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूज़न इसके द्वारा भी क्या ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न। ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन जी, सेकेंड ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन ए, थर्ड ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन एम, या एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से
कोई नहीं, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी की अगर बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इम्यूनोग्लोबिन जी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन अगर ए की बात करें तो ये जो है प्रेजेंट होता है क्लोस्ट्रम और सेलाइवा में। क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट में जो ब्रेस्ट से निकलता है जिसे हम लोग क्लोस्ट्रम कहते हैं, और सेलाइवा में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं बात करें इम्यूनोग्लोबिन एम की तो ये क्या होता है, ये ओल्डेस्ट एंटीबॉडी से बोलते हैं, जो कि फर्स्ट जेनरेटेड एंटीबॉडी होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन देता है, यानी एंटीजन से स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाता है, तो कौन करता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो अब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड बुखार किसके कारण होता है। तो टाइफॉइड फीवर जो है वो सेल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें, जिससे निमोनिया होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टाइफॉइड फीवर को मेरी मलान डिजीज भी कहते हैं, या एंट्रिफिक फायर फीवर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सब लोग वाइडल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा संचरित होता है। ए ऑप्शन है फीमेल क्यूलेक्स, बी ऑप्शन है मेल एनोफिलीज, सी ऑप्शन है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई ऑप्शन वन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया जो है प्रोटोजोअल पारासाइट्स प्लाज्मोडियम्स से होता है, ठीक है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। और ये फैलता किसके थ्रू है, स्प्रेड किसके थ्रू होता है, तो ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोस के द्वारा ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता है, फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है। मेल मॉस्किटो का काम क्या है कि वो क्या करती है, वो जो है वो नेक्टर को फीड्स करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फीमेल एनोफिलीज जो है ये मलेरिया का ट्रांसमिटेड कराता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे अगर फीमेल क्यूलिक्स की बात की जाए तो ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिसे हम लोग फाइलेरियासिस भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, लेग जो है स्वॉलन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फीमेल क्यूलिक्स की वजह से, तो यहाँ पर मलेरिया का पूछ रहे थे, यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज कॉज, डिफॉरेस्टेशन कॉज वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ की कटाई हम किए जा रहे हैं, जंगल को बंजर कर देना, इसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरिजन होता है, इससे क्या होता है, सॉइल का इरिजन यानी मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इन सी टू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। इन सी टू कंजर्वेशन कौन कौन है ये बताना है। पहला नेशनल पार्क है, दूसरा बोटेनिकल गार्डन, थर्ड टिश्यू कल्चर, मोर वन देन वन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दो तरह का कंजर्वेशन होता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं, एक होता है इन सी टू, एक होता है एक सी टू। इन सी टू मतलब इन साइड, एक सी टू मतलब आउट साइड, यानी जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है जिस भी एनिमल का, उसे वहीं जगह पर अगर हम संरक्षण कर रहे हैं, उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और किसी अलग जगह में उसका संरक्षण कर रहे हैं जो कि खतरे में है, एक्सटिंक्ट
होने वाला है, स्पेसिस को एक अलग जगह पर उसको कंजर्व करें तो उसे हम लोग एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो इन सीटू का जो एग्जांपल है वो क्या, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ये सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। वहीं अगर एक सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल की बात करें तो बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, टिशू कल्चर, क्रैप प्रिजर्वेशन, ये सब क्या है, एक सीटू कंजर्वेशन का हो गया एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इन सीटू पूछ रहा है तो यहाँ पर नेशनल पार्क यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन, क्या है मेन रीजन, क्या है ये बताना, ठीक है। बहुत से वन जीवन के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो यहाँ पे हंटिंग ये भी हो सकता है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ये भी हो सकता है, वनों का काटान, सी ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, आवास का विनाश ये भी हो सकता है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे सब हो सकता है लेकिन मेन कॉज जो है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट, आवास का विनाश, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, अफेक्ट करता है फ्लोरा एंड फौना को, कंप्लीट एरिया को, नॉट ओनली कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं, पूरे कंप्लीट एरिया ही को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूसली डिक्रीज होते चला जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिक जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट है, फर्स्ट ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालय एंड गैंगेटिक प्लेन, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयस, थर्ड ऑप्शन है ट्रांस हिमालयस एंड डेक्कन पेनिनसुला, या मोर देन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया की बात की जाए तो सबसे पहला है सुंदरलैंड, फिर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयाज है एंड इंडो बर्मा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज दिया हुआ है, तो यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन की क्षरण होता है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेशन की बात की जाए तो ये तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की वजह से होता है, लेकिन मेन कारण जो है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC जो कि AC, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, Cl एटम होता है, क्लोरीन एटम होता है, जो कि ओजोन के साथ जाके रिएक्शन करके उसे डिप्लीट करता है, ठीक है, उसे हम लोग ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। एक और वर्ड होता है ओजोन होल, इसे हम लोग को समझना हो, ओजोन होल क्या कहता है, ये जो है थिकनेस कम हो जाता है ओजोन लेयर का, इसे हम लोग ओजोन होल कहते हैं। और ओजोन होल की थिकनेस को हम किससे नापते हैं, डॉप्सन यूनिट से, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ओजोन की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, इसे देखा कहाँ गया था, तो अंटार्कटिका में ये दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहेंस्ड बाय एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपचय होता है, फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन डिसोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो होता क्या है कि फैक्ट्रीज से, ठीक है, जो पॉल्यूशन होता है तो उससे NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज होता है, ये कहाँ जाता है, बादल के पास जाता है, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस होके ये क्या करता है, H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन कर देता है, और फिर ये क्या बरसता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसिड रेन पूछा है किसका मिक्सचर है, तो H2SO4 HNO3 का ये मिक्सचर होता है, ठीक है, 70% नाइट्रिक एसिड, H2SO4 30% होता है लगभग, ठीक है, जिसका pH 5.4
होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया, ठीक है। भारत में कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक है? फर्स्ट ऑप्शन है रामदेव महेश्वर, सेकंड ऑप्शन है W.H. पियर्सॉल, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी के जो फादर हैं वो है अर्नस्ट हेकेल। कौन है? अर्नस्ट हेकेल है। लेकिन इंडियन इकोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है तो इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हम लोग कहते हैं वो है रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लेडन एंड शॉन प्रपोज्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फिनोमिनन ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, थर्ड ऑप्शन है सेल थ्योरी एंड सेल डॉक्ट्राइन, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो स्लेडन की बात करें तो ये बोटेनिस्ट थे, और शॉन की बात करें ये जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी है, ठीक है। क्या दिया? सेल थ्योरी प्रपोज किया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो किसके बने होते हैं? तो सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। वो सेल्स आता कहाँ से है? तो वो सेल्स जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है, यही सेल थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेडन और शॉन प्रपोज क्या किए थे? दोनों ने मिल के, दोनों अपना अकेला अकेला वर्क किए थे, लेकिन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। हम लोग सेल थ्योरी प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? ए ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम लोग यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सभी में ये मेम्ब्रेन मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड, बाय लेयर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है? सब प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और एनिमल में कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट होता है जो स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैंसर सेल्स कैन इजिली बी डैमेज बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर, समान कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिका का रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे स्टार्व ऑन म्यूटेशन, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कैंसर सेल की क्या खासियत होती है कि उसमें अनकंट्रोल डिवीजन होता है। क्या होता है? अनकंट्रोल मतलब अनकंट्रोल ग्रो, अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन होता है जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेडिएशन जो है वो मोस्ट हार्मफुल टू फास्ट ग्रोइंग सेल, यानी कोई सेल यानी कैंसर सेल जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके लिए रेडिएशन थेरेपी क्या है? बहुत ही खतरनाक है। रेडिएशन क्या करता है कि ग्रोइंग सेल कैंसर सेल को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ग्रोथ करने नहीं देता, उसे मार देता है, उसे डेथ कर देता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैंसर सेल जो मोर इजली डैमेज बाय रेडिएशन बिकॉज दे अंडरगो रैपिड डिवीजन यानी अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन इस कारण से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर्स ऑक्योर्स ड्यूरिंग, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर्स ऑक्योर्स ड्यूरिंग, किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है सेप्लोकैटीन, तीसरा है डिप्लोटीन, थर्ड फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो मियोसिस में दो स्टेज होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज, इसके पांच स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला स्टेज होता है क्या, लिपोटीन, फिर होता है जैगोटीन, फिर होता है पैकेटीन, फिर होता है डिप्लोटीन, फिर होता है डाइकिनेसिस। तो पैकेटिंग स्टेज जो होता है मियोसिस वन के प्रोफेज में, उसमें ही क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि मान लीजिए क्रोमोसोम है ये, ठीक है, और ये दो क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दो क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, एक पर्पल कलर का हो गया, एक रेड कलर का हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये में क्या होता है कि फिजिकल इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पे जो इसका कुछ यहाँ पर आ गया इसका कोडिंग, और कुछ इसका कोडिंग यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जिससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन जो कि एवोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैकेटिंग स्टेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ होता है, एक होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस में भी दो होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में प्रेजेंट होता है एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, और साइटोसिन और थायमिन, ये चार चीज़ जो है डीएनए में मिलेगा। ठीक है, भाई आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, यानी थायमिन आरएनए में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछा है कि आरएनए में क्या नहीं मिलता है नाइट्रोजन बेस में, तो आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, साइटोसिन तो मिल लेगा, यूरासिल भी मिलेगा, थायमिन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस थ्रू रिस्पायरेशंस, श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एटीपी, सेकंड ऑप्शन है एडीपी, थर्ड ऑप्शन है पाइरुविक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड जो रिस्पायरेशन के थ्रू होता है उसे हम लोग एटीपी कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एटीपी को हम लोग करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एटीपी कैसे बनता है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एटी, यहाँ पे एटीपी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इन द लेक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन है डीओ एंड बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है बीओडी एंड सीओडी, एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर विच में स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता क्या है कि कोई लेक है, ठीक है, कोई झील है, कोई तालाब है, उसमें क्या है ढेर सारा कचरा वचरा हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर सर वगैरह, फर्टिलाइजर ये सब क्या है, इसमें क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लैक वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट जमा होने लगता है, जिससे एजिंग हो जाता है लैक का, मतलब वो तालाब का जिसको प्रदूषित कर रहा है। ठीक है,
तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन होता है। किसके वजह से होता है? तो न्यूट्रिएंट्स की वजह होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग लाइटनिंग दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इन टू। ठीक है, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, सेकंड ऑप्शन है अमोनिया, थर्ड ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो एटमोसफियर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन प्लांट जो है डायरेक्ट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्राइट या नाइट्रेट इसको बोलते हैं, इसके कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन डायरेक्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन अगर फिजिकल ड्यूरिंग लाइटनिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से अगर हो रहा है तो उसे हम लोग फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन लैक ओपरन विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, जीन विनियम एक्सप्रेशन लैक ओपरन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोसिस कर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांस एसिटिलाइज परमेज, थर्ड ऑप्शन है बीटा गैलेक्सोटीरेज, फोर्थ ऑप्शन मोर देन ऑन द अबव या फिफ्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है, जनरली क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है। लेकिन जब ग्लूकोज नहीं होता है बैक्टीरिया में तो क्या होता है, लैक्टोज जो है एनर्जी होता है सोर्स का, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो लैक्टोज को जो हाइड्रोलाइज करता है इनटू मोनोमेरिक सब यूनिट्स में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, तो वो कौन करता है, बीटा गैलेक्सोडेज एंजाइम करता है। क्या करता है, बीटा गैलेक्सोडेज एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या होता है, इकोलाई में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है, ठीक है, जो लैक ओपरन रेगुलेट करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कोडोन कंटेंस हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड संलग्न होते हैं? तो ये एक कोडोन में जो है, इसे हम लोग ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्यों? इसमें 3 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जीनोमिक इंफॉर्मेशन इनकोडिंग अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड और सिग्नलिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हमारे में 64 डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं जिसमें 61 स्पेसिफाई एमिनो एसिड का और 3 जो है स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली फीमेल पेरेंट्स टेक पार्ट इन मल्टीप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जायगोट इज प्रोवाइडेड बाय ओवम एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ओवम है, ठीक है, क्या इसका न्यूक्लियस है और क्या होगा इसमें, साइटोप्लाज्म होगा और सब सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होगा। जब स्पर्म इसमें आके फ्यूज करता है, स्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, स्पर्म जब ओवम में आके फ्यूज करेगा तो ओवम में क्या है,
बहुत सारा साइटोप्लाज्म है यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब फ्यूज़न होता है स्पर्म ओवन का, तो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्पर्म जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जैगोट करता है किसके साथ, अदर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ जो साइटोप्लाज्म है वो किससे मिल रहा है, हमें ओवम से मिल रहा है, इसीलिए हम इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, जीन म्यूटेशन ऑक्योर्स एट द टाइम ऑफ, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ या सीक्वेंस ऑफ डीएनए के सीक्वेंस में या स्ट्रक्चर में चेंज आना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ और म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है, तो उस टाइम में म्यूटेशन होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है, तो सेल डिवीजन के इस फेज में ये डीएनए रिप्लिकेशन देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन रिपीटिव डीएनए, सेकंड ऑप्शन रिपीटेटिव डीएनए, थर्ड ऑप्शन सैटेलाइट डीएनए, डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग पता लगाते हैं डीएनए के कुछ सीक्वेंस को, कौन सीक्वेंस, जिसे हम लोग रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि 99.9% जो डीएनए है वो दुनिया में जितने भी इंसान है सबका सेम होता है, सिर्फ 0.1% का ही डिफरेंस होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होता है। कैसा सेगमेंट होता है, रिपीटेटिव सेगमेंट होता है। जैसे मान ली ए टी सी जी है, तो ए टी सी जी क्या है, एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है। हर यही चीज़ जो हर इंसान में इंडिविजुअल में अलग होता है, इसका नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इससे हम कैसे पता करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता करते हैं रिपीटेटिव डीएनए से, ठीक है। यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं। तो क्लोनिंग मतलब क्या होता है, अपने जैसे कॉपी तैयार करना, ठीक है। तो जीन का बहुत सारा कॉपी तैयार करना उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो जीन टैक्सी किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वैक्सीन है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया या एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, यानी अपने आप ये अपनी ढेर सारी कॉपी बनाने लगता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड से इसे कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन डीएनए, ठीक है, कोई फॉरेन डीएनए को हम इसमें जोड़ के एक वेक्टर तैयार कर लेते हैं, और फिर इसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और होस्ट सेल में क्या अपना कॉपी बनाने लगता है। इस तो ये क्या है, फॉरेन डीएनए को ले जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग जीन टैक्सी या वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन प्लाज्मिड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैची का कार्य करता है, लाइगेस, पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन डीन्यूक्लियस या एक से ज़्यादा या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि रिस्ट्रिक्शन डीन्यूक्लियस जो है ये ऐसा एंजाइम है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में से यूज़ करते हैं। इससे क्या करते हैं, प्लाज्मिड को कट करते हैं, तो इसीलिए इसे हम लोग बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, ठीक है, जैविक कैची कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डीन्यूक्लियस क्वेश्चन का क्या हो जाए,
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्जो न्यूक्लियस, एक होता है इंडो न्यूक्लियस, ठीक है। इंडो न्यूक्लियस जो है डीएनए के एंड पॉइंट पे कट करेगा, सॉरी एक्सो न्यूक्लियस जो है रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स जो है एंड पॉइंट्स ऑफ डीएनए पे कट करके रिमूव करेगा। एंडो न्यूक्लियस की बात करें तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को कट करता है, और लाइगेस की बात करें तो ये तो जोड़ता है, ठीक है। तो अब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी पॉलीमर चेन रिएक्शन इज कंसर्न विद, पीसीआर किससे संबंधित है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए रिप्लिकेशन, मोर देन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो पीसीआर की बात करें पॉलीमर चेन रिएक्शन की, तो ये लैब में हम लोग इसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि डीएनए का जो हम लोग मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, मल्टीपल कॉपी, बहुत सारी कॉपी तैयार करते हैं। क्या करते हैं हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होता आंसर हो जाएगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तीन प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग, तीसरा एक्सटेंशन, ठीक है। इससे हम लोग थर्मोस्टेबल कंडीशन करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रोब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोब क्या होता है, ये डीएनए या आरएनए का क्या होता है, एक सेगमेंट होता है जिसका लेंथ क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डीएनए आरएनए के सैंपल में यूज़ करते हैं डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पता लगाने के लिए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस इन द प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सिबिट्स, ठीक है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन है एपिस्टेटिस, बी ऑप्शन है मल्टीपल एटेलिज्म, सी ऑप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये आपको तीन एलील इसे कंट्रोल करता है, ठीक है, तीन एलील इसे कंट्रोल करता है, ठीक है, आई ए हो गया, आई बी हो गया, आई ओ हो गया, ठीक है। एलील क्या है, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेट फॉर्म उसे हम लोग एलील कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट फॉर्म तो दो होता है लेकिन दो से ज़्यादा है, तीन एलील यहाँ पे इसे कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस स्पेसिफिक ट्रेड्स बिकम्स क्लियर ड्यू टू, किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशगति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण को स्पष्ट हो जाते हैं। ये ऑप्शन है लेमार्क थ्योरी, ये ऑप्शन है मेंडल वर्क ऑन ग्रीन पीस, थर्ड ऑप्शन डार्विनिस, फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में जो हमने हमारे हमने को बताया जेनिक्स जेनेटिक्स के बारे में बताया, उसे हम लोग मेंडल्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने ग्रीन प्लांट पी मटर पे वर्क किया और जेनेटिक्स हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब होता है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के स्टडी को बोलते हैं। हेरिडिटी मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर या ट्रेट का ट्रांसफर होना है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, पेरेंट्स ऑफ स्ट्रिंग में, उसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके वजह से क्लियर हुआ, तो मेंडल्स की वजह से क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज लिंक टू इवोल्यूशन, विकास से कौन सा संबंधित है, पहला ऑप्शन वेरिएशन,
सेकंड ऑप्शन है कंपटीशन, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इवोल्यूशन से जो लिंक है वो होता है वेरिएशन, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरिएशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, और वेरिएशन कैसे होता है तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है तो पैकेटिंग स्टेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन वाज पब्लिश्ड इन, तो डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में डार्विन ने बनाया था, इसने बुक लिखा था जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी थ्योरी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन ने बताई थी 1859 में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ आज हम लोगों का 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है साइंस का। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। हम लोगों ने क्लास 11, 12 TGT PPSC 3 2.0 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जूलॉजी के, हम लोगों ने देखा उसे सॉल्व किया, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था T2 में। बेसिक 11, 12 से ही, बुक से ही, NCERT से ही क्वेश्चन आया है। तो आप लोग NCERT को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करें, देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने के मोटिव ही होता है कि आपको पता चल सके क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। शेयर को, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक।